फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना वर्क परमिट अगर खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको बताया कि दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट एंड ग्रेजुएशन लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में वो दोनों चीज़ें आ गई हैं, देन आप वर्क परमिट अपना ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेटर आपको और ट्रांसक्रिप्ट बोथ आपके डॉक्यूमेंट चाहिए वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। एंड इसके अलावा आपको टू डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, आपका पासपोर्ट फर्स्ट पेज, लास्ट पेज एंड एवरी पेज, आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके लैपटॉप में, साथ ही आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये चार डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको आपका वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अगर आप वर्क परमिट अपना खुद अप्लाई करते हैं तो आप ये सोचिए कि आपके $200 टू $250 बच रहे हैं, क्योंकि अगर आप कहीं से भी भरवाएंगे देन $200 टू $250 की फीस है। एंड साथ में जो एक्चुअल फीस है गवर्नमेंट ने जो आपसे लेनी है वो $275 है। उसके लिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे आपको पेमेंट करनी है। आज हम बात करने वाले हैं वर्क परमिट की, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सिंगल स्टेप में डिटेल में बताऊंगा आपको कि आप अपना वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं या आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज, प्लीज़, आपके लिए वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी, इस वीडियो को देखिएगा एंड तक अगर आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। एंड साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट एंड चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे ओपन करना है अपना अकाउंट cic.gc.login। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक करना है, फ्रेंच आती है तो फ्रेंच पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाना है आपको स्क्रॉल डाउन करके, एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड में आप देख सकते हैं साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपके पास टू ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन वन इज़ GC की, यहाँ पर अगर आपके पास GC की और पासवर्ड है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप साइन इन पार्टनर में क्लिक करेंगे जो मैक्सिमम यूज़ होता है। यहाँ पर आपको स्कोशे बैंक पर क्लिक करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आपको पता है स्कोशे बैंक में ही अकाउंट होता है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्कोशे बैंक का ID एंड पासवर्ड भरना है यहाँ पर, एंड उसके थ्रू आपको यहाँ पर अपना लॉगिन करने के बाद अकाउंट बन जाएगा आपका। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड नीचे फिर से आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट एन अकाउंट। सो यहाँ पर अकाउंट आपको बनाना है अपना गिवन नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। सो गाइस, जो इंडिया का गिवन नेम होता है वो यहाँ पर लास्ट नेम होता है, क्योंकि लास्ट नेम ही लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, गिवन नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जो अगर आपका सिर्फ नेम, अकेला नेम ही है, सिर्फ आपकी कोई बीच पीछे सरनेम नहीं है, देन आप यहाँ पर रिक्वायर्ड में भरेंगे लास्ट नेम में। ईमेल एड्रेस आप भरेंगे यहाँ पर एंड प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। सो मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस यही होता है इस पेज पर कि गिवन नेम और लास्ट नेम, इसमें थोड़ा सा पंगा पड़ता ही पड़ता है हर स्टूडेंट का। इसमें क्या है कि आपको देख लेना है कि आपका जो फैमिली नेम है वही आपका लास्ट नेम है, अगर आपके पासपोर्ट में जो फैमिली नेम होगा वो आपको अपने लास्ट नेम में फिल करना है। एंड यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस भरेंगे साथ में एंड आप यहाँ पर प्रेफर्ड लैंग्वेज देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन रखने हैं, सिंपल आपको पता ही है। सो सिक्योरिटी क्वेश्चन वन, आंसर वन, सिक्योरिटी क्वेश्चन टू। सो यहाँ पर रखने के बाद आपको करना है कंटिन्यू पर क्लिक। सो मैंने अपने क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं, सो आपको नहीं किसी के साथ आपको ये क्वेश्चंस एंड आंसर शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो आप इन्हीं के थ्रू अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। तो आपको किसी के साथ क्वेश्चन शेयर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा अकाउंट बन गया है बट यहाँ पर कोई फाइल सबमिट नहीं हुई है अभी। एंड यहाँ पर कोई भी फाइल जब हम सबमिट करेंगे देन यहाँ पर शो हो जाएगी वो। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर अब करना है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अब हम। सो उसके लिए अब हमें क्या करना है, नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट एन एप्लीकेशन सारे आ रहे हैं, अप्लाई टू कम टू कनाडा, अगर आपको कनाडा आने के लिए अप्लाई अपनी फाइल अप्लाई करनी है खुद तो यहाँ पर होगी। रिफ्यूजी एंड अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी हेल्थ केयर बेनिफिट सिटीजनशिप की फाइल, यहाँ से हमें यहाँ पर ही जाना है अभी, अप्लाई टू कम टू कैनेडा एंड स्टूडेंट ट्रांसफ़र स्कूल, अगर आपको अपना स्कूल और कॉलेज चेंज करना है देन यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो उस ऑप्शन को यूज़ करके, बट अभी हम अप्लाई टू कम टू कैनेडा कर
क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टू टाइप है, देखिए पर्सनल चेकलिस्ट, यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखिए प्लीज़ एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड और बिगिन विद योर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपके पास कोड, एक सेकंड मेथड भी है इसको अप्लाई करने का, स्टार्टिंग से ही आप अपना अकाउंट बिना बनाए क्रिएट बिना किए अप्लाई कर सकते थे, वहाँ से एक रेफरल कोड मिलता है वो यहाँ पर आप फिल करते एंड, बट हमने ऐसा नहीं किया तो हमें नीचे अपना फॉर्म अभी भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं थ्री ऑप्शन हैं, सो फिर भी अगर आपको डाउटफुल है मैं आपको दिखा देता हूँ। cic.login फिर द्वारा ओपन करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम गए थे तो साइन इन और क्रिएट अकाउंट पे गए थे, बट यहाँ पर हम जाएंगे वर्क पे। एंड यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ इन कैनेडा, नो यहाँ पर कैनेडा करेंगे एंड हमारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है तो नो करेंगे। वट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, नो हम यूनाइटेड स्टेट के नहीं हैं परमानेंट मेम्बर, नो करेंगे। वट इज़ योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कैनेडा, यू नो स्टूडेंट हैं हम एंड डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस, नो हम नहीं करेंगे वर्क कैंपस के अंदर कॉलेज में। एंड आर यू फुल टाइम स्टूडेंट एट ए पार्टिसिपेटिंग पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, यस हम फुल टाइम स्टूडेंट थे। हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए पार्टिसिपेटिंग, हाँ हम ग्रेजुएट हुए हैं तो यहाँ भी यस आएगा। एंड इफ़ यूर वर्क इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ यूर स्टडीज, सो यहाँ पर यस करेंगे एंड कोप और इंटर्नशिप प्रोग्राम थी हमें। एंड हैव यू being told by an immigration refugee citizenship canada office that you are approved a principal permanent residence in canada, iska no karenge, hame kisi immigration officer ne nahi kaha hai ki aap, have you submitted a permanent resident application in canada, no, do you have written job offer, no, hamare paas koi offer nahi hai job offer, do you have an, agar aapke paas hai to aap yes kar sakte the, do you have an official letter from the school, yes hamare paas graduation letter hai, final transcript bhi hai, what is your marital status, hamara never married, single hain and saath mein yahan par aayega ontario, kaun si province hai and next karenge after that। यहाँ पर टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा आपको पता है कौन सा होता है, विजिटर वीज़ा भी बोलते हैं जिसे, एंड यहाँ पर अगर टेम्प्रेरी वीज़ा अप्लाई करना हो देन कंटिन्यू, कोप के लिए अप्लाई करना हो देन यहाँ पर, बट हमें करना है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, सो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर से कंटिन्यू करेंगे। फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर, यस हमारे पास कॉलेज का ऑफिशियल लेटर है, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जिसे बोलते हैं। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय आरसीसी ऑथराइज्ड एंड फिजिशियन लास्ट, नो हमारा कोई मेडिकल एग्जाम नहीं हुआ है, कोई मेडिकल से रिलेटेड स्टडी नहीं है, कोई जॉब नहीं थी हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड, सो नो करेंगे।
सो नेक्स्ट में इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से मिलेगी. हैव यू लिव्ड इन अ डेजिग्नेटेड कंट्री और मोर देन सिक्स मंथ इन द लास्ट ईयर? यस, हम ओंटारियो में ब्रैम्पटन में हैं. सो इसका आंसर हम यस करेंगे. एंड नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर देखिए डिटेल में बात करते हैं. मेडिकल एग्जाम इज नीडेड फॉर फॉरेन नेशनल्स हु वांट टू स्टे इन कनाडा फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स एंड हैव लिव्ड इन वन और मोर डेजिग्नेटेड कंट्रीज फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स. सो अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी काम किया हुआ है, इससे रिलेटेड आपका स्टडी रही है, इससे रिलेटेड आपको जॉब करनी है कनाडा में, तो अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं, इफ़ यू आर फिट इनटू वन ऑफ दिस कैटेगरी, यू नीड टू गेट अ मेडिकल एग्जाम. सो आपको मेडिकल एग्जाम करवाना पड़ेगा एंड देन आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं. आप नीचे रीड कर सकते हैं, विल यू गेटिंग मेडिकल एग्जाम बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन. तो आपको सबसे पहले नहीं, सो हमारी जॉब इससे रिलेटेड नहीं है, हम यहाँ पर नो करने के बाद नेक्स्ट करेंगे. अगर आपकी रिलेट करती है यहाँ से किसी से भी, तो आप यस करेंगे. डू यू वॉन्ट टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑफ ए फैमिली मेम्बर? नो. Find out if you are eligible to apply. Are you giving someone access to your application? No. हम अपनी application का access password अपने पास रखेंगे, so किसी को नहीं देंगे. In the past 10 years, did you have fingerprints? And हाँ, biometric हमारा हुआ होता है, आपको पता है 10 years के valid होता है, इसलिए हम yes करेंगे. हमारे पास है, वो automatic उठा लेगा last में. These are the few associated that application. Will you paying your fee? हाँ, yes, हम अपनी fee खुद pay करेंगे. Yes, I will be paying my application fees. पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर करेंगे next. Are you able to make a digital copy of your document with a scanner camera? Yes, we are eligible. हमने अपनी पहले से रेडी कर लिया फोल्डर में, एंड एवरीथिंग रेडी है. स्कैन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, एवरीथिंग. विल यू पेइंग योर फी, एप्लीकेशन फी ऑनलाइन? यस, हम ऑनलाइन पे करेंगे अपने वीज़ा कार्ड से. कौन कौन से कार्ड हैं आप देख सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पर विल यू हैव. सो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है गाइस. यहाँ पर सारे क्वेश्चन आ गए हैं. एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप साइड में चेक कर सकते हैं. सो अगर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं. इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे. सो इसको अच्छे से रीड करते हुए आपको नीचे जाना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है. बट ध्यान रखें कोई भी मिस्टेक ना हो. अगर चेंज कर सकते हो अभी आप. यहाँ पर फोर स्टेप्स हैं, आपको पे फीस करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड स्टेप फर्स्ट क्लियर किया अभी तक. अब हम करेंगे स्टेप सेकंड की बात. सो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट. सो यहाँ पर देखिए ये हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होंगे एंड ये फॉर्म है जो हर किसी एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होगा, इसका नंबर भी अलग होगा. सो यहाँ पर हमें इस फॉर्म को डाउनलोड करना है एंड उसे फिल आउट करना है. यहाँ पर उसे अपलोड करना है और यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्ट है जो वो यहाँ पर सबमिट होगी. यहाँ पर ग्रेजुएशन लेटर एंड पासपोर्ट एंड हर पेज की फ़ोटो एक ही फाइल में एंड डिजिटल फ़ोटो. सो यहाँ पर हम अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे. आपको ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फिल आउट करना है. सो मैं इस फॉर्म के बारे में बता देता हूँ. ये फॉर्म बहुत ही सिंपल फॉर्म है. आपको सिंपली फिल करना है अपनी बर्थ डेट, आप कनाडा में किस दिन लैंड हुए थे, आपकी स्टडी परमिट की स्टार्टिंग डेट क्या है एंड आपकी स्टडी पीरियड क्या था, कब से कब तक का था. उसको फॉर्म को जिसमें स्टार है सिर्फ वही फिल आउट करने हैं, बाकी आप छोड़ सकते. सो आफ्टर दैट फिलिंग दिस फॉर्म आपको वैलिडेट करना है, आपको बारकोड आ जाएगा, देन ये फॉर्म आपको वहां पर सबमिट करना है जहां पर मैंने आपको दिखाया अभी. गाइस यहां पर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आ गई है. सो हमें बारी बारी ये डॉक्यूमेंट नोट प्रोवाइडेड लिखा रहा है, अपलोड करने हैं. यहां से हम डिजिटल फोटो करेंगे पहले. डिजिटल फोटो करने के बाद हम करेंगे अपनी ट्रांसक्रिप्ट एंड पासपोर्ट, सभी एक फोल्डर में रेडी रखे थे हमने. स्कैन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. पासपोर्ट की हर पेज की फ़ोटो की एक पीडीएफ फाइल बनानी है अपने. हर पेज मीन्स जिस पे एक स्टैम्प है और फर्स्ट एंड लास्ट पेज, उसको एक पीडीएफ में डाल देना है एंड यहाँ पर अपलोड कर देने हैं. अब हम ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे. सो ये फोर डॉक्यूमेंट्स हो गए एंड आफ्टर दैट आपका जो फॉर्म फिल किया था हमने, जो वैलिडेट किया था, वो फॉर्म यहाँ पर आपको भरने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है. सबमिट करने के बाद आप जब नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर जो ऊपर थे टू फॉर्म वो आप स्किप कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर होगी पेमेंट. एंड पेमेंट आपकी $255 है जिसकी फ़ीस वर्क परमिट अप्लाई करने की, ट्रांसमिट एंड पे करेंगे सिग्नेचर करने के बाद. एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप 155, 100, 255 ट्रांसमिट एंड पे. ट्रांसमिट एंड पे करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स फिल करनी है एंड आफ्टर दैट आपकी पेमेंट हो जाएगी. डन, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड. एंड उसके बाद यहाँ पर आप जब होम पर क्लिक करोगे, होम पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है क्योंकि वहाँ पर आपकी डिटेल्स चेंज हो जाएंगी. सो अभी चलते हैं होम पर हम. तो होम पर क्लिक करने का देखिए यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पहुँच जाएंगे स्कोशिया बैंक के साथ. आपको क्लिक करके जब लॉगिन कर देंगे तो सबमिशन कन्फर्मेशन यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड कर सकते हैं.
सो गाइज यही थी फुल वीडियो, जिस स्टेप को फॉलो करके आप अपने वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा ही इजी स्टेप्स थे जिन्हें अगर आप इजीली फॉलो करें देन आप अपना खुद ही वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करिएगा हर स्टूडेंट के साथ जो अभी वर्क परमिट स्टेटस पर आने वाले हैं। सो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।